हम ये पूछ रहे हैं, कहते हैं कि जूते जो चुराती है वो तो है साली, और जो जूते मारती है वो है घरवाली। घरवाली तो खाए जूते। हाँ जी बिल्कुल, साली चुराती है, घरवाली जूते मारती है, सिंपल सी बात तो है। नारी शक्ति की जय, आपके आगे तो झुकना ही पड़ेगा। हाँ जी ठीक है, तो भाई अभी खा के आए हो दो तीन, अभी नहीं है, निकलो घर से बाहर, काम धंधा करके आओ। मैं ऑफिस से निकला हूँ, डरते हैं कि लिमिट इधर आगे बताओ। सब डरते हैं घरवाली से, ये तो घूम रहे डर के हमारे, देखो लगा रखा है नकाब, सब डरते हैं। झूठ बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है, कोई नहीं डरता है। तो आपने खाए जूते? जूते तो नहीं खाया, लेकिन डर तो होता ही है। कितने दिन, किस दिन फेंक के चप्पल ही मार दी? ऐसा नहीं हुआ। ओ तेरी वाली, ऐसा कभी नहीं हुआ है। अच्छा, अभी है शराब नौ टंकी करेगा घर में। तो मुझे खुद तुम ऐसे लग रहे हो बेवड़े से। नहीं मुझे शुगर है, बीमारी है, शुगर हो पी रखी है। नहीं पीता नहीं हूँ मैं, पहले पिया कर। शुगर शुगर को बीमारी थोड़ी है, शुगर तो परहेज है। उसको बीमारी कैसे मान लिया? परहेज कर लोगे? भाई के साथ हुआ, वो मेरे साथ तो कभी हुआ नहीं। हम ये पूछ रहे हैं कि जैसे जो जूते चुराती है वो तो होती है साली, और जो जूते खिलाती है वो होती है घरवाली। घरवाली तो मतलब आप खिला दोगे? तो घर जब काम ऐसे करोगे तो खिलाने पड़ेंगे ना, काम ऐसे करोगे तो खिलाने पड़ेंगे। कुछ भाई साहब ये कह रहे हैं कि आज तक हमने तो सुनाने को ऐसे जूते खिलाती हो। हाँ हुआ नहीं है, पर आने वाले टाइम में तो हो सकता है ना। काम ऐसे करेंगे तभी खिलाएंगे, नहीं लाड़ प्यार में भी लग जाएगा। नहीं लाड़ प्यार में लग सकता है, पर वो जूते खिलाना नहीं होता। तो जूते खिलाना नहीं होता जी, वो क्या जूता होता है, वो प्यार में जूता चटाना होता है। जूते मारती है भैया, वो तो किसी को बदतमीजी करोगे तभी कोई मारेगा, वैसे तो कोई मारने वाला नहीं है। अब ये की बन चाहे जूते मारती है वो घरवाली है ना। हाँ है ना, मारती है ना अगर गलती पे घरवाली भी। हाँ कभी कभी कर देती है, कर देती है काम। तेरी आज बताई दूं तेरे को, ठीक है आज इधर आ भाई, पी के आ जाए, दारू पी के आ जाए, पी के आ जाए तो भैया जब पीटता है तो वो उठा लेती है, फिर डंडा है जूता जो आता आता अपने बचाव को कुछ तो करेगी। आप खा रहे हैं जूते? देखो जी मैं क्या खा रहा हूँ, अब सभी लोग खा रहे हैं। अपना बताओ, सभी तो खा रहे नहीं खा रहे? देखो ऐसे क्या कर्म है आपके जो जूते खाने पड़ रहे हैं? नहीं नहीं देखो, जूते खाने पड़ रहे हैं ये कर्म नहीं है, ये तो एक प्रकृति का नियम है। प्रकृति का नियम है, बिल्कुल चलता आ रहा है, चटा चटा देखो पहले से चलता आ रहा है प्रकृति का। पहले से मतलब क्या, भगवान भी जूते खा रहे थे पहले? बिल्कुल देख लो सीधा चलता आ रहा है, मतलब जो पहले राजा महाराजा थे वो भी जूते खाते थे। बिल्कुल घरवाली के आगे हर इंसान को झुकना पड़ता है, आज भी झुक रहे हैं सब लोग। अच्छा।